फ्रेंड्स, आज हम आम की गुठली का मुखवास बनाने जा रहे हैं। यह खाने के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है और हमारे शरीर के लिए यह बहुत लाभदायी है। इस गुठली को बनाने के लिए एक कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। यह कहावत बिल्कुल इसमें चरितार्थ होती है। चलिए हम मुखवास बनाते हैं आम की गुठलियों से। हमने ऐसे पके आम के 25-30 गुठलियाँ ले ली है। इसे सुखा दिया है। अब इसे तोड़ के हम इसके अंदर की मींजे निकाल लेंगे और उसे बॉईल करके हम आगे इसके सुपारी तरीके से बनाएंगे, मतलब आम के गुठली की सुपारी। हम सब गुठलियों को इस छोटे कुकर में बॉईल कर लेंगे। इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक डालिए। हथौड़ी की मदद से सब गुठलियाँ तोड़ ली है। इसे मैंने कुकर में रख दिया है और 2 गिलास पानी डाला है। इसे अब हम बॉईल करने रख रहे हैं। मैंने इसे 1000 वाट पे रखा है और इसे 6 से 7 सीटी होने देंगे। आप इसे बॉईल करने के टाइम इसमें चाहे तो 3 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर सकते हैं। मैं स्किप कर रही हूँ, मैं बिना नमक का बना रही हूँ। हमने अब इसे हम ग्रेट करने जा रहे हैं। यह बोला जाता है ना, आम के आम गुठली के दाम। अब इस गुठलियों को भी हम मुखवास के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यह के सब निकाल देंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे। आप अंदर भी देखिए, अंदर से यदि कुछ ऐसे दाग है तो उसे आप ग्रेड मत करिए। हमने दूसरी ले ली है। देखिए ये अंदर से एकदम प्लेन और अच्छी है। जिसमें यदि कोई गुठली अंदर से काली है तो उसे आप ग्रेड मत करिए, क्योंकि इसके ग्रेडर बहुत शार्प रहते हैं। इस तरह हम ऐसे ग्रेट करते जाएंगे। यदि ग्रेडर से किया तो यह यूनिफॉर्मिटी से बनेगा और चाकू से किया तो कोई मोटा कोई पतला बनेगा। इसे हम एक ट्रे ली है, इस ट्रे में इस तरह से सुखा देंगे। सब गुठलियों को इसी तरह से सुखाना है और मैं सब गुठलियाँ अभी ग्रेट कर लूँगी। इसे आप जरूर चेक करिए, अंदर कोई काले धब्बे हैं तो उसे आप यूज मत करिए। हम इसमें ग्रेट कर करके डालते रहेंगे और अच्छे से फैला देंगे। हम इसे कंटिन्यू ग्रेट करेंगे और ट्रे में डालते जाएंगे। ग्रेट करेंगे और एक ट्रे में बिछा देंगे और इसे हम धूप में डालेंगे। इस तरह हमारी ये गुठलियाँ सूख गई है। देखिए आप हवा। इसे हम कढ़ाई में गैस में थोड़ा और सेक लेंगे, जिससे यह खाने में और मुलायम लगेगी। इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हम इसे मीडियम आंच पे सेकेंगे और सिर्फ 15 मिनट तक इसे रोस्ट करना है। बहुत जन इसमें 1 चम्मच घी और थोड़ा नमक और चाट मसाला डाल के सेकते हैं, उससे भी यह टेस्टी लगता है, लेकिन मैं सब स्किप कर रही हूँ और मैं सादा रोस्ट करके इसे बर्नी में भर रही। इसका आप मिक्सचर में पाउडर करके भी एक बॉटल में भर सकते हैं। इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे 15 मिनट।
जिससे यह 12 महीना इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी। थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे ठंडा होने देंगे, फिर एक एयर टाइट बर्नी में इसे भर देंगे और इसे आप पूरा 12 महीने तक खा सकते हैं। यह पेट के लिए बहुत गुणकारी है। प्लास्टिक के सूखे डब्बे में भर लेंगे और ढक्कन लगा लेंगे। इस तरह हम इसमें भरते जाएंगे। यह डब्बा हमारा पूरा भर गया है। हम इसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। इस तरह हमारा यह गुटली का मुखवास तैयार हो गया है। आप इसमें नमक और चाट मसाला डाल के इसे टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा घी में रोस्ट करके, लेकिन मैं बहुत सादा बना रही हूँ। यह सादा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, यह बहुत शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।